चांद के चांद पर पहुंचने के बावजूद आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषियों के पास अपनी किस्मत के सितारों के बारे में जानने पहुंच जाते हैं। वहीं केबीसी में एक ऐसे ज्योतिषी का खुलासा हुआ है जो खुद अपनी किस्मत के बारे में नहीं बता पाया। उनकी इस हरकत के बाद से ज्योतिषियों से किसी का भी भरोसा उठ सकता है। दरअसल केबीसी में बुधवार को अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचे पंडित हरिओम शर्मा गुरुवार को पहले ही सवाल पर क्विज शो से बाहर हो गए, जबकि उनके पास अभी भी 3 लाइफलाइन बची थी। उनका इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने एक गलत जवाब देकर खुद को ही खेल से बाहर कर लिया। बीस जुलाई को मानव इतिहास की किस घटना की 85 वर्षगांठ मनाई गई? इसका गलत जवाब देकर पंडित हरिओम शर्मा खेल से बाहर हो गए। वहीं जब अमिताभ बच्चन ने ज्योतिषी हरिओम शर्मा से खेल से पहले पूछा कि क्या वो केबीसी के खेल में अपना भविष्य जानते हैं, तो इस पर जवाब देते हुए ज्योतिषी ने कहा उन्हें ये तो पहले से ही पता था कि वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे। उन्होंने सुबह ही सबसे ये कह दिया था और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। वहीं इसके बाद अमिताभ बच्चन और ज्योतिषी के बीच कई श्लोकों का भी सिलसिला चला। वहीं इसके बाद माना जा रहा है कि आने वाला एपिसोड कई तरीके से इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है, लेकिन शायद ही ऐसा हो सके। अब ज्योतिषी जी की इस हरकत के बाद से लोग भी किसी ज्योतिषी से अपनी किस्मत पूछने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। न्यूज डेस्क।